फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाव पिज़्ज़ा। ये रेसिपी पिज़्ज़ा लवर्स को बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और बनाना स्टार्ट करते हैं। पाव पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है पाव, इसको ऐसे खोल लिया है। मीडियम साइज बारीक कटी हुई एक प्याज है, एक मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर है बारीक, बटर लिया है मैंने, मेल्ट किया हुआ है बटर, एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज बारीक कटा हुआ, ये है स्वीट कॉर्न, इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है, और ये चीज जो कि अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें दो छोटा चम्मच है सेजवान चटनी, टमाटो केचप है दो छोटा चम्मच, और ये लिया है धनिया पत्ता, नमक लिया है टेस्ट के हिसाब से, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है पिज्जा मिक्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पैन मैंने पहले से ही हीट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बटर, एक चम्मच बटर डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे। फिर डालेंगे प्याज, अच्छे से चला लेंगे। प्याज को हमें बस हल्का सा ही फ्राई करना है। अब डालेंगे इसमें शिमला मिर्च, डालेंगे इसमें कटा हुआ टमाटर, हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का पकाना है। अब डालेंगे इसमें कॉर्न, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे नमक, नमक मैंने इसके अकॉर्डिंग लिया था। अब मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। सब्जी हमारी पक रही है, तब तक हम सॉस रेडी कर लेते हैं। ये सेजवान सॉस है, इसको मैं टमाटो केचप में मिक्स करूंगी। फिर ऐड करेंगे इसमें पिज्जा मिक्स, इसको थोड़ा सा डाला है मैंने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा पिज्जा सॉस के जैसा टेस्ट आएगा। ये सॉस रेडी हो चुका है, सब्जी हमारी रेडी हो गई है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फ्लेम को अब बंद करेंगे और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर लास्ट में धनिया पत्ता थोड़ा सा। ये देखिए पिज्जा टॉपिंग हमारी रेडी हो गई है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए पाव मैंने रख लिया है, पाव का ये वाला भाग रखना है हमें नीचे, और इसको मैंने ऊपर से रखने के लिए रखा है अलग से। तो सबसे पहले लगाएंगे इस पे बटर, बटर को अच्छे से लगा लेंगे। फिर लगाएंगे इस पे सॉस, पिज्जा सॉस जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। फिर डालेंगे ये सब्जी जो मैंने अच्छे से मिक्स करके बना के रखी थी। फिर डालेंगे इस पे चीज। फिर ये पाव का ऊपर वाला पार्ट जो हमने अलग किया था, इसके ऊपर लगा लेंगे इसको। अब थोड़ा इस पे बटर लगाएंगे और थोड़ा सा चीज डालेंगे ऊपर से। ओवन हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। फिर डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसे ग्रिल करेंगे। चलिए देखते हैं, ये पाव पिज्जा हमारा रेडी हो गया है। इस रेसिपी को आप सेम उसी तरीके से पैन में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी मैं पैन में भी बना के दिखाऊंगी आप लोग को। और ये पैन में मैंने रखा है,
अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।